कोरोना वायरस से निपटने और संक्रमण फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कई जगहों पर लॉकडाउन के निर्देश जारी करने को कहा है, जिनमें पॉजिटिव केस आए हैं। यह आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान में सबसे पहले लॉकडाउन लागू किया गया, उसके बाद पंजाब और उत्तराखंड में लॉकडाउन करने की घोषणा कर दी गई। इसके बाद दिल्ली समेत झारखंड में भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। लॉकडाउन के दौरान कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी। अब हम जानते हैं कि क्यों करते हैं लॉकडाउन। किसी तरह के खतरे से इंसान और किसी इलाके को बचाने के लिए लॉकडाउन किया जाता है, जैसे कोरोना के संक्रमण को लेकर कई देशों में किया गया है। कोरोना वायरस का संक्रमण एक दूसरे इंसान में ना हो सके, इसके लिए ज़रूरी है कि लोग घरों से बाहर कम निकलें। बाहर निकलने की स्थिति में संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए कुछ देशों में लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है। अब हम जानते हैं कि लॉकडाउन के समय कौन कौन सी सुविधाएं जारी रहेंगी, साथ ही कौन कौन सी सुविधाएं बंद रहेंगी। अस्पताल, दवा दुकानें, किराना दुकानें, ये सुविधाएं जारी रहेगी। बाजार और दुकानें, सरकारी ऑफिस, ये सुविधाएं बंद रहेगी। लॉकडाउन में अस्पताल, बैंकिंग सहित इमरजेंसी सेवाएं जारी रहती हैं। खाने की होम डिलीवरी, ई कॉमर्स सेवा, ये सुविधाएं जारी रहेगी। साथ ही निर्माण कार्य बंद रहेंगे। सब्जी की दुकानें, गैस की सप्लाई, दूध के बूथ, ये सुविधाएं जारी रहेंगी। प्राइवेट ऑफिस, कंपनियां, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट, ये सुविधाएं बंद रहेंगी। लॉकडाउन के समय दवा, अनाज या अन्य ज़रूरी चीज़ों के लिए बाहर जाने की इजाज़त है। सीमित सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट, एटीएम और बैंक, टेलीकॉम सेवा, ये सुविधाएं जारी रहेंगी। साथ ही प्राइवेट बसें और टैक्सी, धार्मिक स्थल, ये सुविधाएं बंद रहेंगी। तो ये थी लॉकडाउन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।